चिमचर, ओ भाई चिमचर को क्यों नहीं पकड़ेंगे ब्रो, चिमचर को पकड़ लेंगे यार, एक मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे गैसली है, चलो गाइस गैसली को मारते हैं एंड इससे मुझे क्रेडिट्स मिल सकते हैं। ओ तीन क्रेडिट मिला, शक्ल भी है गाइस। ओ ओ एक मिनट गाइस, ये तो एबोमा स्नो है गाइस, ये एबोमा स्नो है यार, अरे इसको मैं क्यों नहीं पकड़ूंगा गाइस, ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन है और ये काफी शक्तिशाली है गाइस। एबोमा स्नो, ऐसे जगह में एबोमा स्नो मेरे को दिखाई दे रहा है। ओ वाओ, 1 2 3 लेट्स प्ले द गिटार बॉयज। अरे यार बॉयज, ये क्या कर रहे हैं यार, गिटार बजाने वाला था लेकिन ये कौन सा डांस है यार। अरे गाइस मैं तो गिटार बजाता हूँ लेकिन ये कौन सा डांस कर दिया यार। ओके फिर से करेंगे ठीक है, 1 2 3 प्लीज गाइस एक बार लाइक कर लेना, तब शायद से ये गिटार वाला इमोट प्ले होगा। वो गाइस हज्जा हज्जा टेराडोन, मेरे इमोट के सामने तू मत आ। गाइस मैं हूं बोल्ट एंड आप सभी भाइयों को फिर से स्वागत करता हूं गाइस पोकी आर के और एक बहुत ही कमाल के एपिसोड में। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैसे गाइस मैंने ओनिक्स को पकड़ लिया था एंड गाइस ये एपिसोड और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में शायद से गाइस हम लोग एक लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढने के लिए जाएंगे ठीक है। एंड गाइस आज बहुत कुछ करने वाले हैं, पहले तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे ठीक है। गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया था कि कैसे गाइस मैंने एक ओनिक्स को पकड़ लिया था, तो चलो गाइस ओनिक्स को निकालते हैं। एंड गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या गाइस मुझे अपने पोकेमॉन्स को पोकी बॉल के अंदर रखना चाहिए कि ये सोल गन ठीक है ठीक है, आप लोग इस चीज को कमेंट कर देना। तो चलो गाइस निकालते हैं। ओके गाइस आ चुका है ओनिक्स। अरे यार ये ओनिक्स बहुत ज्यादा बड़ा है यार। गाइस बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो चलो गाइस एक बार इसके ऊपर उठ के देखते हैं। एंड गाइस एक चीज आप सभी भाइयों को पता है, ये ओनिक्स भाई जाने पे ये जब जाता है ये काफी कॉमेडी लगता है मेरे को, देख सकते हो कैसे जाता है। एक मिनट सामने से दिखाएंगे ठीक है, ये तो है इसका स्लो वाला मूव, एक मिनट ऐसे स्लो तरीके से जाता है लेकिन फास्ट जब जाता है, अरे बाप रे इसका मुंडी तो स्क्रीन में ही घुस जाएगा, ऐसे जाता है ब्रो। एंड गाइस ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो मेरे लिए रिसोर्स कलेक्ट कर सकता है, तो देखो देखो ये देखो कितने सारे बेरीज उल्ट सीड्स सब कुछ कलेक्ट कर सकता है। एंड लिटरली गाइस ये कुछ भी तबाह कर सकता है गाइस, इसके सामने जो भी आएगा, चाहे ये पेड़ हो देख सकते हो, पेड़ से भी गाइस मुझे बेरीज कैसे मिले पता नहीं, चाहे ये पत्थर हो, एक मिनट थोड़ा और पास में जाना पड़ेगा, आप देखना ठीक है। और ये देखो पत्थर वत्थर सब कुछ तोड़ के रख देता है। एंड गाइस आप पत्थर वत्थर यार रखने के लिए भी कोई टेंशन वाला बात नहीं, ओनिक्स इज अ लेवल अप। बाप रे गाइस ओनिक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा यार, इसका ऑलमोस्ट 10,000 होने वाला है। वेट बढ़ा देते हैं गाइस क्योंकि चीजें रखने में बढ़िया होगा फिर। ओके कोई पोकेमॉन मेरे को मार रहा है क्या, अच्छा ये वाटर टर्टल मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। वाटर टर्टल ये तू गलत कर रहा है ठीक है। अरे अरे किसको मार रहा है, स्टोन्स पे मैं नहीं मारना है यार, मैं स्टोन्स पे मार रहा हूँ, एक मिनट ऐसे जाते हैं। अब गाइस इधर से मारेंगे ठीक है इस वाटर टर्टल को, वाटर टर्टल नहीं नहीं गाइस थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा गाइस, इसका मतलब जो पेट वाला हिस्सा है वो अटैक नहीं करता है, सिर्फ गाइस इसके सिर से ही हम लोग अटैक कर सकते, मतलब जो सामने वाला एरिया है उससे हम लोग अटैक कर सकते। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे वाटर टर्टल है, तो चलो गाइस मारते हैं। मरा ना, नहीं मरा क्या है? ओके मैंने हिट दिया, यस गाइस एक ही फटके में मर गया गाइस, 1500 के आसपास ये डैमेज देता है ब्रो ठीक है। And guys, ये ओनिक्स क्या पानी में भी घुस सकता है, वो भी देखते हैं चलो। अरे यार ओनिक्स पानी में कैसे जा रहा है ये बोल, देखो ना बाप रे ये कीड़ा जैसा लग रहा है गाइस, वर्म जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो ब्लास्टोइज भी है, वो ब्लास्टोइज भी मर गया क्या? ओह माय गॉड गाइस ये पानी के अंदर घुसेगा कि नहीं? ओह पानी के अंदर लिटरली गाइस मैं पानी के अंदर डूबूंगा नहीं यार, और इसके पीठ में जाऊंगा तो, अरे ये तो बढ़िया चीज है यार। गाइस लिटरली गाइस मैं पानी के अंदर हूँ, एक मिनट गाइस पानी के अंदर मैं घुस पाऊंगा कि नहीं वो देखते हैं। चलो गाइस ऐसे ओनिक्स तो पानी के अंदर मुझे लेके जा सकते हैं, ओह लिटरली गाइस हम लोग पानी के अंदर भी जा सकते हैं, वाओ। एंड गाइस वहां पे मेगलाडोन शार्क है, तो चलो गाइस ओनिक्स वर्सेस मेगलाडोन शार्क करेंगे ठीक है। अरे यार ये तो मजेदार होगा यार बोल, ये सही में बहुत ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन एक चीज ये पत्थर है। एंड गाइस मुझे यार पानी में इसको नहीं लेके जाना है भाई, रॉक टाइप पोकेमॉन्स आर वेरी वीक अगेंस्ट वाटर टाइप, ये तो आप लोग को पता है। एंड ओनिक्स को फिर से लेवल अप करना पड़ेगा, अरे 10,000 हो गया इसका हेल्थ, अब चलो गाइस बढ़ाते हैं मिली डैमेज ठीक है। एंड गाइस चलो यहाँ पे मेगलाडोन शार्क है, उसके साथ तो डेफिनेटली मैं पंगा लेने ही वाला हूँ। एंड गाइस इस ड्रॉप में क्या हो सकता है, नॉइवर्न भी है इधर। एंड गाइस एक भाई ने मेरे को कमेंट करा था, भाई का कमेंट मैं इधर पिन कर दूंगा ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो भाई ने बोला कि आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं अगर आप ज्यादा चेस्टनॉट को मारोगे, ऐसा होगा क्या? गाइस ये मीट है एंड इस मीट को मैं बस करने वाला हूँ ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चेस्टनॉट को मार करके कि क्या हमें सीरियसली गाइस मिल सकता है गाइस बहुत सारे क्रेडिट चेस्टनॉट को मार करके। हट गाइस इधर से निकलते हैं ठीक है, क्योंकि मुझे मेगलाडोन शार्क कटाई दिखाई नहीं दे रहा। अरे पंछियों मार खाओगे तुम लोग, मार खाओगे, हटो
मैंने बोला ना, अरे मैंने मछली को मारा, बर्ड्स को नहीं मारा भाई। अगर ऑनिक्स के पास कुछ रॉक टाइप हमला होता तब तो बहुत बढ़िया होता गाइस, इसके पास रॉक टाइप हमला नहीं। ओ यहाँ पे ग्लूम है गाइस, मैंने ग्लूम को मारा गाइस, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है गाइस ग्राउंड में क्या क्या पोकेमॉन्स है। एक मिनट, इसके पास क्रेडिट्स है क्या? नहीं क्रेडिट्स तो है नहीं। सो गाइस चलो और आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ बढ़ के जाएंगे ब्रो। और एक चीज गाइस, यहाँ पे ब्लेजी कैन भी है, चलो गाइस ब्लेजी कैन को मार के देखते हैं, क्योंकि गाइस यस गाइस मुझे क्रेडिट्स मिला। ब्लेजी कैन को मारने से सिर्फ गाइस दो ही क्रेडिट्स मिले यार। अरे हट पत्थर, अरे गाइस ये तो बड़े पत्थर को भी तोड़ देता है गाइस। ऑनिक्स के पास लिटरली गाइस बहुत सारे पत्थर तो हैं, रिसोर्सेस भी काफी सारे हो गए। तो गाइस मुझे घर में जाकर के आज थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, शायद से मैं आज गिली सूट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जंगल में घूमता रहता हूँ ना, डायनासोर्स का आमना सामना होता ही रहता है। तो गाइस गिली सूट मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, फिर मुझे पोकेमॉन्स यार इग्नोर करेंगे। अरे ऐसा लगेगा कि जंगली जानवर जा रहा है यार। वैसे यार बोल, तेरे को गिली सूट का जरूरत नहीं है, अगर तो बिना कपड़े का जाएगा तभी तेरे को पहचान नहीं पाएंगी यार। क्यों? क्योंकि तो जंगली है ना। अरे यार इसकी ऐसी किट ऐसी। ओके गाइस तो यहाँ पर कौन सा पोकेमॉन, ये पॉलीवैग है, चल पॉलीवैग तेरा तो किस्सा होने वाला खत्म। अरे इसको कुछ नहीं, आग मारेंगे, बाय बाय पॉलीवैग। पॉलीव्रत था, नहीं क्रेडिट्स नहीं मिले गाइस, क्रेडिट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिले। तो चलो गाइस जंगल में जाएंगे ब्रो। एंड गाइस यार ओनिक्स, सीरियसली यार ओनिक्स कितना ज्यादा ताकतवर बनेगा गाइस। किसी ने तो गाइस मेरे को मारा यार, लेकिन किसने मारा? ओ रेटिकेट है गाइस इधर। रेटिकेट तूने ये बहुत ही गलत कर दिया भाई, रेटिकेट तूने सीरियसली बहुत ज्यादा गलत करा। एक मिनट ओनिक्स को घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं रेटिकेट को मार पाऊंगा। ओए ये ले, नहीं मारा गाइस, नहीं मारा, किसी को मैंने मारा गाइस, एलोलन रेटिकेट को मारा गाइस, लेकिन और भी मेरे को अटैक कर रहा है यार। ओनिक्स यार तेरे को मार रहा है यार। ए ओनिक्स क्या कर रहा है? ओनिक्स रुक जा रुक जा, मैं गिर जाऊंगा ओनिक्स। अरे बाप रे ये मेरे को हिला रहा है गाइस, मैं ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। एक काम करें गाइस, ओए आइए बॉय, इसको ऐसे ही घर लेकर के जाना पड़ेगा गाइस। इतना सारा सामान है इसके पास, पत्थर वत्थर है, तो गाइस पत्थर वत्थर घर पे तो रखना पड़ेगा ना। तो चलो गाइस घर में निकलते हैं, पहले चीजों को रखते हैं एंड फिर गाइस कंपैरिजन करेंगे। पहला कंपैरिजन करने वाला हूँ कि कौन ज्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकता है मेरे लिए गाइस, ओनिक्स या फिर ट्राइसराटॉप्स। डेफिनेटली गाइस ओनिक्स ही कर पाएगा, बट गाइस मुझे ये देखना है कि गाइस ओनिक्स मेरे लिए कितना रिसोर्स कलेक्ट कर सकता है एंड ट्राइसराटॉप्स कितना रिसोर्स कलेक्ट कर सकता है। गाइस अब मुझे इसके बॉडी से ऐसे उतरना पड़ेगा। ए शिट मैन, गाइस क्या गिरा यार, क्या गिरा गाइस, मेरे पास तो हेल्थ ही नहीं है गाइस। ओनिक्स के बॉडी से उतरना काफी मुश्किल है गाइस, यहाँ पे क्या चीज है देखते हैं एक मिनट। ओके गाइस तो चलो देखते हैं इस भाई भाई नॉइवर्न ऐसा मत कर भाई, मेरे पास भी काफी शक्तिशाली पोकेमॉन है, एक को निकालेंगे भाई तेरा डीएन हो जाएगा ठीक है। ओ यहाँ पे चेस्नॉट भी है, तो गाइस मेरे पास क्या पोकेमॉन, जोर्क है, जोर्क को निकाल सकते, मेगा चार्जर्ड वाई भी है, जोर्क को निकालते हैं गाइस। जोर्क खेलेगा और जोर्क बहुत ही शक्तिशाली है। जोर्क रुक रुक, ये न्यूट्रल हुआ कि नहीं गाइस आई थिंक। अरे 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 जोराक भाई टू न्यूट, गाइस मुझे एक बार इसको मारना पड़ेगा फिर जोराक आ जाएगा मुझे हेल्प करने के लिए। जोराक मुझे हेल्प कर। अरे यार, अरे बोल तू मरने वाला है शायद से। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ यार, क्योंकि जोराक तो मेरे को हेल्प ही नहीं कर रहा है यार। अगर एक फटका मेरे को नॉइवर्न मारने वाला है तो मैं तो टपक ही जाऊंगा ब्रो, क्योंकि मेरे पास हीलिंग, एक मिनट गाइस मेरे पास हीलिंग पेस है क्या? अरे गाइस जोराक मेरा बात सुन नहीं रहा यार। अरे मार, ओ अब मारेगा, अब मारेगा, मर जाएगा ब्रो। क्या हो गया जोर्क को, क्या हो गया ब्रो? जोर्क यहाँ पे अटक क्यों गया गाइस? मेरे को सामने जाने से भी डर लग रहा है यार। ओ नो गाइस, मैं काम करूंगा गाइस, मैं किसी एक पोकेमॉन को निकाल लेता हूँ, उसके बॉडी में घुस जाऊंगा ठीक है। तो देखते हैं गाइस, ओ यस गाइस मेगा चार्जर्ड वाई को निकाल लेते हैं। ऑलराइट गाइस मेगा चार्जर्ड वाई के बॉडी में आ गया हूं। एंड गाइस यहां पे यार जोर्क के साथ क्या हो गया, ये क्या अनकॉन्शियस हो गया? मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्शियस हो गया यार। ओह शिट गाइस ये तो मार ही डालेगा यार, फ्लेयर बीट्स यूज करना पड़ेगा गाइस, खत्म कर दिया गाइस मैंने। एंड गाइस दो क्रेडिट्स मिले। अरे बोल तेरा मेगा चार्जर वाई कैसे मर गया यार? वही तो गाइस, मेगा चार्जर वाई कैसे मर गया गाइस, ये क्या हो गया यार? एंड इस भोंडू को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, मैं हड्डी टूट गया, ये भोंडू मेरे को हेल्प ही नहीं करा गाइस। अगर ये मेरे को हेल्प करता तो गाइस मेगा चार्जर्ड वाई मरता नहीं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। मेगा चार्जर्ड वाई मैं और एक पकड़ने वाला हूँ यार, लेकिन ऐसा हुआ क्यों यार? घर चलते हैं गाइस, घर चलते हैं यार। ओ फ्लेरियन है इधर, तू किसको खा रहा है ब्रो?
किसी को खा रहा, इसका हेल्थ क्यों कम है भाई? ओ इसको भी तो खाना लेना पड़ेगा ना। एक मिनट गाइस देखते हैं ये क्या क्या खा सकता है। खाने वाला मीटर तो दिखाएगा नहीं कि क्या खाएगा गाइस। एक मिनट पास में जाते हैं गाइस, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरीके से गाइस, देख सकते हो मेरा हालत बहुत टाइट है ब्रो। एक मिनट घुसते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा, सुन ले मेरा बात भाई। ओके गाइस मैं बॉडी में आ गया हूँ इसका। फूड मीटर तो एकदम सही है लेकिन गाइस डाउन हो रहा है फूड मीटर, ठीक है। तो ओनिक्स के लिए मुझे चीज़ें रखना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस मेरे पास थंडरस्टोन भी है तो यार ये यूज़ करना पड़ेगा अभी पिकाचू के ऊपर, ठीक है। चार्जर वाई मर गया यार गाइस। चलो यार अब दुख करके क्या ही करेंगे, है ना, जो होने वाला था वो हो गया। चेस्टनट को मार के जाएंगे, लेकिन मर गया ना चेस्टनट गाइस। चेस्टनट का जो ये था ये मिथ लेजिट नहीं था गाइस। चेस्टनट को मार करके गाइस आप लोग देख सकते हो मुझे क्रेडिट्स तो मिले नहीं, ठीक है। बट लेट्स गो गाइस लेट्स गो। चार्जर वाई मर गया यार, फ्लेयर ब्लीच मारा था गाइस कितने आसानी से गाइस, इसने नॉयवर्न को भी मार दिया था। पता नहीं फिर गाइस कैसे मर गया गाइस, क्या इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता है तो डेफिनेटली गाइस ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आइंदा से वो गलती फिर नहीं करने वाला। हटो यार हटो, तुम लोग हटो। गाइस मैं अपने घर में वापस से आ गया हूँ गाइस। ओनिक्स के पास अभी जितना कुछ है वो ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। कंपेरिजन पहले करते हैं, ठीक है। ट्राइसरटॉप्स के ऊपर पहले सेडल लगाना पड़ेगा, सेडल लगा देंगे इसके ऊपर। एक मिनट देखता हूँ इसका ट्राइसरटॉप्स सेडल के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए वो भी पहले एक बार देखना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, ट्राइक सेडल। तो गाइस ट्राइक सेडल के लिए खाली वुड ही चाहिए, फिर आराम से मैं बना पाऊंगा। तो वुड के लिए कोई टेंशन वाला बात है ही नहीं गाइस, अपने ओनिक्स के पास ही है गाइस, इसके पास ही वुड है। एक मिनट रुक जा, देखते हैं गाइस कितना सारा वुड है गाइस, 313 वुड्स। तो आराम से गाइस ट्राइक सेडल अभी बन के रेडी हो जाएगा। ओके ट्राइक सेडल, तो गाइस ये बन गया, जैसे कि देख रहे हो ये बन रहा है। तो गाइस पहले मैं देखूंगा कि गाइस ट्राइसरटॉप ज़्यादा मेरे को देगा बेरीज वेरीज, देन मैं चेक करूंगा गाइस ऑनिक्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस सेडल लगा देते हैं, अब गाइस पिला देते हैं इसको पेस्ट। अब गाइस चलो ये तो गाइस मेरे लिए डेफिनेटली स्टोन्स वंस तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं डॉट डॉट के स्टोन को तोड़ने की कोशिश करूंगा। या ओ गाइस ट्राइसरटॉप्स तो इधर भी मेरे को यार देख सकते हो बेरीज वेरीज कलेक्ट करके दे सकता है। लिटरली गाइस इधर भी मैं बेरीज वेरीज ले पा रहा हूं आराम से गाइस ट्राइसरटॉप्स के मदद से। एंड बाकी गाइस ये वुड तो कलेक्ट कर ही सकता है, ये तो डेफिनेट बात है। बट गाइस ऑनिक्स मेरे लिए स्टोन्स भी कलेक्ट कर सकता है। तो गाइस इसने मेरे लिए कितना करा आप लोगों ने देखा, 96, 55 ऐसे करके। ओके अब चलो गाइस ऑनिक्स यहाँ पे गाइस रिसोर्सेस कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं वो देखते हैं गाइस। एंड ये शाइनी फ्रॉकी कुछ ज्यादा ही शाइन नहीं मार रहा है? रुक जा दोस्त, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे कौन सा पोकेमॉन है जो यहाँ पे तब से टी 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 कर रहा है? ये म्यूजिक मेरे को इतना क्यों सुनाई दे रहा है? ओके ऑनिक्स बेटा तेरे ऊपर मैं अभी बैठने वाला हूँ। ओके बैठ गया हूँ, तो गाइस देखते हैं, ठीक है, ये रिसोर्स कलेक्ट कर पाएगा कि नहीं। आराम से गाइस रिसोर्स कलेक्ट कर पाएगा। एंड गाइस साथ ही साथ गाइस ये पत्थर को भी तोड़ पाएगा ऐसे। अरे वाह गाइस, नो डाउट गाइस ऑनिक्स इज द बेस्ट गाइस। ऑनिक्स यार रिसोर्स कलेक्ट करने में बेस्ट है यार। लेकिन ऑनिक्स तो यार हवाई पोके मतलब हवाई डायनासोर्स वायनासोर्स को नहीं मार सकता क्या? नहीं मार सकता है शायद से गाइस, नो। चलो गाइस तो अरे यार क्या गिरा यार मैं, क्या गिरा। ऑल राइट गाइस तो ये तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है। अब क्या हो गया, इसको गर्मी लग रहा है क्या? अब चलो गाइस बनाते हैं गाइस गीली सूट, ठीक है। तो गीली सूट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट देखते हैं। आई थिंक गाइस गीली सूट के लिए फाइबर चाहिए। गीली सूट ओके, तो ये है ऑर्गेनिक पॉलीमर गाइस। ऑर्गेनिक पॉलीमर तो गाइस पेंगुइन को मार करके मुझे मिल सकता है गाइस ऑर्गेनिक पॉलीमर। इसको पानी प्यास लग रहा है तो मैं काम करना फटाक से फियोरे के ऊपर चढ़ूंगा। एंड गाइस हम लोग जाएंगे समुंदर किनारे, ठीक है। और भी क्रेडिट्स को इकट्ठा करना है। एंड क्रेडिट्स को इकट्ठा करके गाइस आज शायद से मैं लुकारियो को खोलने वाला हूँ, ठीक है। अरे यार लुकारियो को खोलने वाला है यार, बोल। हाँ गाइस मैं आज लुकारियो को खोलने वाला हूँ, ठीक है। एंड गाइस मेरे को अपना ग्रेनिंजा क्यों दिखाई नहीं दे रहा है यार? गाइस मेरा ग्रेनिंजा कहाँ पे चला गया? मुझे ग्रेनिंजा को लेकर के जाना पड़ेगा गाइस। एंड इसके ऊपर जाने वाला हूँ, ठीक है। चार्जर्ड वाई का तो आप लोगों ने देखा क्या ही हो गया यार। सीरियसली मैन गाइस चार्जर्ड वाई के साथ बहुत ही गंदा चीज हुआ यार। एंड यार मेरे को सीरियसली अब मेरा ग्रेनिंजा नजर नहीं आ रहा यार। बोल तेरा ग्रेनिंजा कहाँ पे चला गया यार? वही ना भाई, मेरा ग्रेनिंजा कहाँ पे चला गया? या फिर मेरा आंख कमजोर है भाई? इधर है क्या ग्रेनिंजा? गाइस एक काम करते हैं, मैं ना एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ इसमें है क्या ग्रेनिंजा। इसमें तो है ही नहीं गाइस ग्रेनिंजा, इसमें है ही नहीं। मैंने फिर से इसके ऊपर बैठते हैं।
अब देखते हैं गाइस, ग्रेनिंजा ग्रेनिंजा ग्रेनिंजा। अरे गाइस मेरा ग्रेनिंजा कहां पे चला गया यार? ये है मेरा ग्रेनिंजा गाइस, बॉल के अंदर था गाइस, लिटरली मैं डर गया था क्योंकि गाइस ग्रेनिंजा को अगर कुछ हो जाता ना भाई तो यार मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता यार, क्योंकि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ठीक है। एंड गाइस ग्रेनिंजा को मैं वापस लेकर के जाने वाला हूँ। अरे क्या कर रहा हूँ यार। एंड गाइस ब्लास्टोइस को इधर रख के जाएंगे। एंड इस वाले ब्लास्टोइस का गाइस फूड मीटर डाउन नहीं हो रहा है। एक मिनट गाइस, ये वाला ब्लास्टोइस अलग ही पावर मारेगा क्या? नहीं, एक मिनट देखते हैं। हाँ हाइड्रो पंप भी मार रहा है। तेरे को मैं खाना दे करके जा रहा हूँ ठीक है, तो तू यार प्लीज मरना नहीं है। ऑल राइट लेट्स गो गाइस, फियर के ऊपर बैठते हैं गाइस। आज तो मुझे और पोकेमॉन्स को मारने हैं। एंड घर जाते हैं गाइस, कुछ मेटलिक वेटलिक चीजें भी बनाना पड़ेगा ठीक है। अब गाइस मुझे अपना फियर नजर नहीं आ रहा यार, अब गाइस मेरा फियर नजर नहीं आ रहा यार। ओके ये रहा फियर गाइस, इतने सारे पोकेमॉन है यार। ऑल राइट गाइस लेट्स गो गाइस, पहले तो घर जाते हैं। घर में स्मिथ मशीन में कुछ चीजें बनाएंगे। ओ यार गाइस पिकाचू को भी तो इवॉल्व कराना था। अरे यार, अरे हाँ वो तो मजेदार हो गया यार बोल। अरे हाँ वो तो मजेदार डेफिनेटली होने वाला है। एंड प्लीज यार तू, अरे कहाँ पे जा रहा है यार, रुक जा, तू पैसिव नहीं, पैसिव पे क्यों है गाइस? अटैक माय टारगेट करना पड़ेगा तेरे को दोस्त, एक मिनट। अटैक माय टारगेट, ये पैसिव में क्यों है? एंड रेडी टू मेट, मतलब अच्छा गाइस ये मेटिंग कर सकते हो। वैसे गाइस मुझे गर्मी लग रहा है तो पहले तो मुझे पानी में एक बार डुबकी लगाना चाहिए। ओके पानी में डुबकी लगा लिया। ओके डन गाइस, डन डना डन, पानी पी लिया गाइस। अब घर के अंदर चलते हैं। एंड तू यार प्लीज यार इधर ही रहे भाई, इधर ही है। एंड तू लिटरली गाइस ये पानी के अंदर डूब कैसे नहीं रहा है भाई? भाई जादुई पोकेमॉन वोकेमॉन है क्या? अरे हाँ हो भी सकता है यार, जादू है कि तेरे में फियर हो। चलो गाइस अंदर चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे भी एक बार खोल के देखते हैं। एंड ये वाला जो अंडा है आज पिकाचू को देकर के देखेंगे ठीक है, ले लेता हूँ। एंड गाइस कंज्यूमेबल पे और चीजें मुझे बना लेना पड़ेगा। ओ गाइस इसको एक बार ग्रोअप पेस दे करके देखूं क्या? एक बार ग्रोअप पेस फियर को दे करके देखते हैं। चलो गाइस इसका ये इम्प्रिंट पूरा फुल हो जाएगा, तब ये शायद से और ज्यादा पावरफुल बनेगा। फियर व्हेयर आर यू? ओके इधर लैंड कर, लैंड कर, लैंड कर, लैंड कर। ये लैंड नहीं करता है ब्रो। फियर अब तेरे पे मैं डालने वाला हूँ ये ग्रोअप पेस ठीक है। ग्रोअप पेस यहाँ पे ऐड हो गया है, अब चलो कंज्यूम कराते हैं इसको। ओके गाइस मैंने कंज्यूम करा दिया, बहुत कुछ चेंजेस नजर आ रहा है गाइस। एंड मिली डैमेज पे यार फोकस करते हैं। एंड गाइस अब तो मैं इसको बहुत ही कमाल तरीके से मैं फियर को अपग्रेड कर पाऊंगा गाइस। वैसे तो मुझे आज मेनली काम करना था गाइस, स्मिथ मशीन में कुछ बनाना था। एक मिनट गाइस, स्मिथ मशीन में मैं कुछ बना सकता हूँ क्या? एक बार स्मिथ मशीन पे फिर से जाते हैं। व्हेयर इज माई स्मिथ मशीन? ओ ये रहा मेरा स्मिथ मशीन। ओके स्मिथ मशीन में जाते हैं। एंड गाइस स्मिथ मशीन में आ गया हूँ। अब गाइस देखते हैं मैं आर्मोर बना पाऊंगा क्या? ये मेटल इंगोट चाहिएगा। ओके तो दो तीन चीजें मैं बना पाऊंगा, जैसे गाइस ये जूता, क्योंकि मेरे पास जूता है ही नहीं। ओके 28 ही मेरे पास मेटल इंगोट है, 28 मेटल इंगोट मैंने ले लिया है। अब चलो गाइस मेटल इंगोट को डालते हैं इधर। ऑलराइट तो अब आर्मर पे जाते हैं, मेटल में जाते हैं। एंड गाइस अब क्या चीज बना पाएंगे? वो हाइट और ये सब भी डालना पड़ेगा क्या? एक मिनट गाइस, 147 हाइट। ओके अब और फाइबर डालना पड़ेगा ना। ओके तो फाइबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखते हैं गाइस, पहला तो ये जूता बनाएंगे। ओके जूता बना लिया। अब गाइस आई थिंक ये लेग वाला पार्ट बनाएंगे, बस ये दोनों ही चीज़ मैं बना पाऊँगा। तो गाइस देख सकते हो मैंने ये तो इक्विप कर लिया। अब चलो गाइस घर के बाहर चलते हैं। एंड गाइस मैं हाथ खाली खाली सा लग रहा है, तो ये बैंडेड हाथ में लगा लेता हूँ ठीक है। ओके ये बैंडेड हाथ में लगा लिया, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है ठीक है। ओके लेट्स गो गाइस, अब चलते हैं गाइस और पोकेमॉन्स को मारेंगे ठीक है। फियर के मदद से बहुत सारे पोकेमॉन्स को मैं मारने वाला हूँ। एंड गाइस आज मैं वोल्केनिक पहाड़ के पास जाने वाला हूँ, क्योंकि एक भाई ने बोला था कि वहाँ पे मुझे आरसीएस देखने को मिल सकता है। क्या ये सच बात है कि क्या मुझे आरसीएस देखने को मिल सकता है गाइस वोल्केनिक पहाड़ के ऊपर? यू नेवर नो गाइस, हम लोग को देखने को मिल भी सकता है। अरे पूल आरसीएस अगर मिल जाएगा तो तब तो ये बल्ले बल्ले टे शाबा शाबा पानी पियो तो कावा कावा भाई। पहले इसको मार के देखते हो, 321 गाइस। अगर ये कंटीन्यूअस गाइस 321 का डैमेज देगा तो भाई यार ये फियरो कम नहीं है ब्रो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है गाइस। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा ठीक है। आप लोगों ने शायद से लास्ट एपिसोड नहीं चेक किया है, आप लोग चेक करो ठीक है। एपिसोड को आप लोग अच्छी तरीके से चेक किया करो, क्योंकि वहां पे एक एक पोकेमॉन के बारे में मैं अच्छी तरीके से बोला हूँ ठीक है। एंड इस वीडियो में शायद से आप लोग को कुछ पोकेमॉन्स के बारे में पता नहीं भी चले, तो इसलिए गाइज आप प्रीवियस एपिसोड डेफिनेटली चेक कर लेना। एंड गाइज यहाँ पे एक सिमसियार है, सिमसियार को मार के देखते हैं गाइज मुझे क्रेडिट्स मिलेगा। ए सिमसियार गया ना, लेकिन कुछ भी नहीं मिला गाइज। क्या डैमेज दे रहा है ब्रो। एंड यार फियर तो ऑटोमेटिक हील हो रहा है यार, इसके पास अर्जेंटा फिश जैसा शक्तियां है। अरे हाँ
हाँ यार, ये अर्जेंट ऑफिस जैसे ही अपने आप को हील कर सकते हैं बोल। अरे हाँ ना भाई, चलो गाइस इसका और लेवल अप करते हैं भाई। ये फीरो मेरा फेवरेट पोकेमॉन बन रहा है गाइस, सीरियसली गाइस। हो ओके गाइस, अब पोकेमॉन्स देखते हैं गाइस जो मुझे क्रेडिट्स दे सकते हैं यार। एंड वॉल्केनिक पहाड़ में तो डेफिनेटली जाएंगे, वॉल्केनिक पहाड़ उस तरफ था, वहां पे भी जाएंगे गाइस डेफिनेटली। एंड गाइस फियोरो का भी स्पीड बहुत ज्यादा है भाई, बहुत हाई स्पीड से जाता है गाइस। कैप्रोसुकस है गाइस, कैप्रोसुकस को एक ही फटके में मार पाएंगे कि नहीं चलो देखते हैं। अगर एक नहीं तो दो तीन फटके में, इसका मतलब दो तीन फटका भी एक जैसा ही होता है क्योंकि गाइस ये कंटीन्यूअस अटैक करता है, ठीक है। ये देख सकते हो गाइस कंटीन्यूअस अटैक करा ना। ऑलराइट गाइस, यहां पे तो मुझे एक भी पोकेमॉन नजर नहीं आ रहा। ओके एक पोकेमॉन नजर आया गाइस, यहां पे देख सकते हो, पॉलीवैग। ओके गाइस मैंने, अच्छा पॉलीवैग, मैं इन लोग के इवोल्यूशन स्टेजेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूं गाइस। पॉलीव्रिल, पॉलीवैग, पॉली फिर व्रेट, ऐसा ही कुछ था ना। बहुत कंफ्यूजन है गाइस। चलो गाइस बर्फीले पहाड़ पे ही जाते हैं गाइस। अगर वहाँ पे आरसीएस मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया होगा, अगर आरसीएस नहीं मिलता है कोई और दूसरा लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है तब यार क्या ही बोलेंगे, है ना। Approximately 10 hours later. गाइस ये है रेडवुड फॉरेस्ट। एंड गाइस रेडवुड फॉरेस्ट में काफी खतरनाक मेरे को पोकेमॉन्स नजर आ सकते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट्स भी दे सकते हैं। लास्ट टाइम गाइस मुझे रेडवुड फॉरेस्ट में गाइस ढेर सारे पोकेमॉन्स देखने को मिला था। एंड गाइस यहाँ पे चेस्टनॉट है, चलो गाइस चेस्टनॉट को और एक बार मार के देखते हैं। ओए भाई चेस्टनॉट क्या मारेगा तू मेरे को। ओ मिला गाइस क्रेडिट्स मिला, लेकिन किससे क्रेडिट्स मिला गाइस? ये चेस्टनॉट से मुझे 60 क्रेडिट मिला कि गाइस वोन एज से मिला यार। ओए ये दोनों इकट्ठा कहाँ पे जा रहे हो यार, मर जाओगे ब्रो, मेरे साथ पंगा मत ले भाई, मर जाएगा ब्रो, मैं बोल रहा हूँ ना यार। ये क्रैंटोसोरस यार दोनों को लगा था कि यार फियरो को मारेगा, है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ब्रो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके गाइस यहाँ पे गैसली है, चलो गाइस गैसली को मारते हैं एंड इससे मुझे क्रेडिट्स मिल सकते हैं। ओ 3 क्रेडिट मिला, शक्ल भी है गाइस, ये शक्ल पोकेमॉन में मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस। आर्क के दुनिया में गाइस मैंने शक्ल को अभी तक नहीं देखा है, तो यहाँ पे देखा तो इसको मार के देखते हैं, ठीक है। क्रेडिट्स मिला, 4 क्रेडिट्स यार बहुत बढ़िया है। एंड गाइस यहाँ पे तो और एक फियरो है, चेस्टनॉट भी है, मेरियल भी है। ए आ जाओ तुम लोग सारे के सारे लोग आ जाओ, सब लोग मरोगे, चेस्टनॉट टू भी मरेगा। ओ मिला गाइस चेस्टनॉट से मिला क्रेडिट, ठीक है। एंड हिप्नो तो भाई का कमेंट यार, भाई का मिथ ये था कि बहुत सारे क्रेडिट्स मिलेंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स तो नहीं 3-4 क्रेडिट्स मिलते हैं, मतलब क्रेडिट्स तो मिलते हैं, तो ब्रो शाउट आउट टू यू, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को और एक चेस्टनॉट दिखाई दे रहा है, अब देखते हैं इसको मार करके, ठीक है आप देखते हैं इसको मार करके कितना मुझे क्रेडिट मिल सकता है। ओके अरे ये तो मर ही नहीं रहा है। ओए ओके मारा, इस बार क्रेडिट्स नहीं मिला, मतलब गाइस 50-50 चांस में मिलता है गाइस, कभी कभार क्रेडिट्स मिलता है कभी कभार क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं। ओके गाइस वहां पे ये कौन सा पोकेमॉन है, चिमचार। ओ भाई चिमचार को क्यों नहीं पकड़ेंगे ब्रो, चिमचार को पकड़ लेंगे यार, एक मिनट, चिमचार को मारना नहीं है, नॉइवर्न को मारेंगे भाई, क्योंकि इसने मेगा चार्जर एक्स को वाई को मार दिया था। गाइस चिमचार मुझे चाहिए यार, एक मिनट, कोई खतरनाक पोकेमॉन तो नहीं है ना। ओ ये खा रहा है गाइस, ये खा भी रहा है, अच्छा खा ले, चलो गाइस चिमचार को यार बेहोश कर दे, ठीक है, क्योंकि गाइस ये इन्फर्नेप बनेगा यार। ओ ये बेहोश हो ही गया गाइस, हट। ओ गाइस मैंने इसके ऊपर लगा दिया क्या टॉपर एरो। ओए भाई तेरे को अटैक करना है, तू पैसिव पे मत रह, पैसिव पे मत रह। गाइस ये पैसिव पे क्यों, गाइस आज मेरे सारे के सारे डायनासोर पैसिव में है। एंड इसको यार डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक के यार स्टीम बेरी खिला के, मेरे पास बेरी तो अमर बेरी कितना है देखते हैं, 10 है अमर बेरी, तो ये दे देता हूँ। एंड गाइस फेमाइन पेस्ट नहीं है क्या मेरे पास, फेमाइन पेस्ट तो है ही नहीं, तो शायद से गाइस मुझे ग्रेट बॉल फेंक के इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो ये टेम हो रहा है गाइस, ये टेम हो रहा है जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, काम करता हूँ गाइस, तब तक के गाइस मैं और ज़्यादा बेरीज को इकट्ठा कर लेता हूँ। ओके यही करते हैं गाइस, अमर बेरी से ही इसको टेम करेंगे, ठीक है। और अमर बेरी नहीं मिल रहा है यार, जो चीज़ मुझे यार वक्त में चाहिए वो कभी नहीं मिलता है गाइस, कभी भी नहीं मिलता है। एंड ये क्या पोकेमॉन है, ओ ये मरा हुआ फियर है, मैं डर गया भाई, मेरे को लगा यार सामने एक वाइल्ड फियर है, अगर सामने एक वाइल्ड फियर आ जाएगा तब तो गाइस मेरा डीएन हो जाएगा। गाइस मैं रेडवुड फॉरेस्ट में ऐसे क्यों घूम रहा हूँ जैसे मेरा चाचा का फॉरेस्ट है। अरे बोल यार तू यार काफी डरपोक है यार, अकेला घूमा मत कर। अरे यार मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है बनी, कुछ भी मत बोला कर। एंड चिमचार कहाँ पे है, वो रहा चिमचार गाइस। ये बनी हमेशा मेरे को इंसल्ट ही करता रहता है। अरे यार तू मेरा भाई है ना, कभी कभी इंसल्ट करता हूँ लेकिन यार दिल से तेरे को रेस्पेक्ट भी करता हूँ। अरे वाओ ये चीज सुन के मेरे को अच्छा लगा गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये चीज सुन करके। गाइस ये तो पूरा फटाक फटाक खा रहा है बेचारा, शायद से चिमचार बहुत भूखा था शायद से। ओ जल्दी से टेम हो जा चिमचार बेटा, जल्दी से टेम हो जा, ठीक है, तेरे को मैं इन्फर्नो बनाऊंगा और तेरा भी पावर देखना पड़ेगा ना।
देख सकते हो गाइस, चिमचार ने बोला यार, चिमचार जल्दी से खा ले, जल्दी से खा ले, तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं एक शक्तिशाली शक्तिशाली योद्धा बनाऊंगा यार, तू सोच भी नहीं सकता है कितना शक्तिशाली बनाऊंगा, ठीक है। अभी 92% में अटक क्यों गया, और भी बड़ी चाहिए कि तेरे को दोस्त। ओके ओके, टेम होने वाला है 97 एंड अब हो जाएगा टेम गाइस, जल्दी से टेम हो जाएगा चिमचार, जल्दी से। वहां पे एक विनाशोर भी, ओ ये टेम हो गया है गाइस, अपना प्यारा सा चिमचार। हेलो चिमचार, हेलो चिमचार, तेरा लेवल अप करता हूँ। ये कौन से लेवल पे यार इवॉल्व होता है गाइस, इवोल्यूशन मेनू है कि नहीं? ओ इसके अंदर मैं घुस भी सकता हूँ लिटरली। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, 5 दबाते हैं और आ जा बॉल के अंदर आ जा। एंड फियरो, वहाँ पे मेरे को एक विनाशोर दिखाई दिया था यार, उसको मारना पड़ेगा। एंड शक्ल और भी है, यहाँ पे और भी शक्ल है, तो चलो इस शक्ल को मारते। एंड ये कौन सा वल्पिक्स, इसको मार के क्रेडिट मिलेगा क्या? क्रेडिट तो बिल्कुल भी नहीं मिला, लेकिन शक्ल को मारने से यार मेरे को क्रेडिट्स मिल रहे हैं यार, शक्ल को मारने से मेरे को बहुत ज्यादा क्रेडिट्स मिल रहे हैं। बल्बासोर रुक जा, बल्बा रुक जा, रुक जा, बल्बा से भी कुछ नहीं मिला यार। अरे यार वहाँ पे एक बहुत बड़े विनाशोर है, इसको मार करके देख। ओके चलो गाइस, इस विनाशोर को मार करके देखते हैं। एंड गाइस, मेरा विनाशोर काफी शक्तिशाली हो गया है, ठीक है, मैंने उसका मिली डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ाया। ओ क्या मारता है ब्रो यार फियरो, मैंने अपने विनाशोर का जो मिली डैमेज है वो काफी बढ़ा दिया है। अब गाइस विनाशोर का अटैक देखने लायक होगा यार। ऑलराइट, अब और देखते हैं गाइस, यहां पे पोकेमॉन्स कहां पे हैं? यहां पे पोकेमॉन्स वो रहा गाइस, एक पोकेमॉन नजर आ रहा है। ए बी ड्रिल, मैंने तेरे को ऑलरेडी पकड़ लिया है बी ड्रिल, ठीक है, और मेरे पास मेगा बी ड्रिल भी है। इससे भी कुछ नहीं मिला यार गाइस, इससे भी कुछ नहीं मिला। शक्ल और एक है गाइस, वहां पे और एक शक्ल है, तो शक्ल शक्ल नहीं गाइस, ये कौन सा? आओ पीजियोट गाइस, ये पीजियोट है, एकदम फाइनल फॉर्म है। आ पीजियोट तो मरेगा ब्रो, वाओ, लेकिन कर नहीं पाएगा कुछ ब्रो। फियरो सही में तू कट्टा ही ऑसम है यार, लेकिन फियरो तेरे को डैमेज तो दिया यार। ओ नो, पिजियोट का अभी बेटा आ रहा है यार, बेटा आ रहा है कि क्या करे? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा ये दुश्मन वाला पिजियो है। ए पिजी रुक, तो पिजी भाग चुका है गाइस। एंड मैंने गाइस यहां पे ट्रैपडेन को देखा था गाइस, ये है ट्रैपडेन, इसको मारते चलो। ओ दो क्रेडिट मिला गाइस, दो क्रेडिट मिला, तो कुल मिला करके गाइस मेरे पास कितना क्रेडिट है वो देखते हैं। 31 क्रेडिट, मुझे 150 क्रेडिट चाहिए तब जाकर के गाइस मैं लुकारियो को खोल पाऊंगा। लुकारियो को खोलने के लिए 500 चाहिए, मेरे पास 350 है, इसको मारते हैं फिर से। ओए हॉर्न ड्रिल मारेंगे ब्रो, ये तो कुछ भी नहीं है। आजा आजा आजा, 624 कंटीन्यूअस डैमेज, वाओ गाइस कंटीन्यूअस डैमेज 624। ओके फिर से हॉर्न ड्रिल, आजा आजा आजा, दम है तो आजा फियर, दम है, दम है पिजियो, दम है, दम तो है भाई, इसलिए मेरे को ये अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन मैं घूम क्यों नहीं पा रहा हूँ भाई। ओके ओके, अब तो मरेगा यार, ये मर क्यों नहीं रहा है? ये भी घूम रहा है, मैं भी घूम रहा हूँ यार, जग घूमिया कटे चलो, जग घूमिया। अरे यार उड़ो यार पानी, गोल गोल घूम के इसको नहीं मार सकते, फेस टू फेस मारेंगे, फेस टू फेस कैसे बचेगा तू है? अरे फेस टू फेस भी बच गया क्या? नहीं बच पाएगा ब्रो। ओ राइचू, हेलो राइचू, तेरे को मार करके मुझे डेफिनेटली क्रेडिट्स मिलेंगे, ठीक है। ओके नहीं मिला यार, मेरे को लगा था मिलेगा, बट गाइस मिला ही नहीं। थाइला कोलियो, व्हाट इज दिस? अब ये कौन सा पोकेमॉन है भाई? हैं? ये जो व्हील में घूम रहा है, मुझे देखना है गाइस, सीरियसली देखना है। एंड ये अभी भी व्हील में ही घूम रहा है गाइस, व्हाट पोकेमॉन इज दिस? ओए थाइला कोलियो किसको मार रहा है तू, किसको मार रहा है? मुझे वो पोकेमॉन देखना है ब्रो। सिंटाक्विल है क्या ये? ओ ये सिंटाक्विल का इवोल्यूशन फॉर्म है। ओ गाइस भाई साहब, इसको क्यों नहीं पकड़ना है ब्रो, इसको पकड़ना है यार। पर ये कुछ नहीं कर रहा है मेरे को, अटैक कर रहा है क्या? 190 टोर पर, यो 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 यो, ओ माय गॉड शक्तिशाली है ये सिंडाक्विल यार। एक मिनट गाइस, फियर रुक रुक, मैं आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ गाइस, आ जा। शिट मैं भी चल गया हूँ, यहाँ पे डायर भी है, चलो इसको मार लेते हैं। ओके खत्म, अब गाइस चलो सिंडाक्विल का जो सेकेंड इवोल्यूशन फॉर्म था वो क्या था गाइस? शिट शिट शिट, क्लीन पेस पी लिया मैंने गाइस, अब देखना पड़ेगा कहाँ पे, इधर ही होना चाहिए गाइस। ये क्या है? आओ बचाओ, ये बेहोश हो गया यार, ओ ये भी बेहोश हो गया क्या? कुइलाभा 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 मर गया यार, मेरे को लगा था मैं पकड़ पाऊंगा कुइलाभा को, बट गाइस यहाँ पे चार्मेंडर मिला, इसको मैंने बेहोश किया था, तो चलो गाइस इसी को लेकर के जाते हैं यार। फाइनली गाइस ये आ चुका है, तो चल 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 चार्मेंडर चल यार, कुइलाभा को अगर
पकड़ लेता तब तो यार बहुत बढ़िया होता यार, बट अफसोस की बात यह है कि गाइज वहाँ पे एक डायर बियर था एंड मैं पकड़ नहीं पाया। एंड यार तू इधर आ जा, अब सेफ एंड साउंड है। अब ब्रो तेरे को मैं डालने वाला हूँ सोल गन के अंदर, ठीक है। अब चलो गाइज फिर से फियरों के ऊपर बैठते हैं एंड इधर से निकलते हैं ब्रो, लेट्स गो। हेलो विनासोर, आ जा सब लोग मरोगे, सब लोग मरोगे। हॉर्नड्रिल खाएगा, ये ले हॉर्नड्रिल खा। ओके लेट्स गो बॉयज। एंड यहाँ पे एलोलन रेटिकेट है, तो रेटिकेट से तो शायद से मुझे मिल सकता है क्रेडिट्स, ठीक है। मिला क्या? लेकिन ये क्या हो गया भाई, मेरे को किसी अटैक से इसने अटैक करा एंड मेरे को थोड़ी देर के लिए कुछ ब्लरी नजर आ रहा था। एंड यहाँ पे और एक चार्मेंडर है, इस बार इसको मारेंगे, ठीक है। क्रेडिट नहीं मिला यार, ब्लेजी कैन को मारने से लेकिन मुझे क्रेडिट मिल सकता है। ये देख सकते हो गाइस, दो क्रेडिट मिले, ठीक है। ओके गाइस चलो पायरोर को मारते हैं, आजा पायरोर आजा। ओके क्रेडिट तो मिला, ये पायरोर शक्तिशाली है गाइस, 1.5 के हेल्थ वाला था यार। एंड गाइस हाँ यार पायरोर शक्तिशाली ही होते हैं गाइस, उस दिन भी मैंने देखा था गाइस एक पायरोर या दो तीन डायनासोर के साथ अकेला लड़ रहा था। तो गाइस नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पायरोट दिखेगा तो डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ। एंड गाइस देख सकते हो मुझे और एक फायर स्टोन मिला क्योंकि गाइस मैंने वल्पिक्स को मारा था ना। ओके लेवल बनाते हैं, इसका तो बहुत ज़्यादा लेवल अप शो कर रहा है यार। गाइस मेरे को एक पोकेमन नजर आया और वो कौन है गाइस, बी शार्प। मेरा ख्वाहिश था गाइस बी शार्प को पकड़ना, एंड गाइस आज मैं उस ख्वाहिश को कंप्लीट करने वाला हूँ डेफिनेटली। गाइस लाइकन रॉक है तो लाइकन रॉक को मार लेते हैं पहले, क्रेडिट्स मिले, दो क्रेडिट्स मिले। एंड बी शार्प आई एम गोइंग टू टीम यू नाउ, तू मेरे टीम में आने वाला है डेफिनेटली। इसको तो मैं अपने टीम में लाऊंगा ही। अरे गाइस बी शार्प ने मेरे को देख लिया, मैं इसको लगाने ही वाला था। एंड गाइस ये मेरे अब पीछे बेहोश होने वाला है, क्या हो गया क्या? अरे तू तो बेहोश हो गया गाइस। ये यार एफएम के टॉर्पर एरो तो काफ़ी ओपी होते हैं यार। और राइट मेरे पास कुक मीट नहीं है, रॉ मीट होगा शायद से, रॉ मीट भी नहीं है। तो एक काम करें, रॉ मीट तो इसके पास तो होगा ना। चलो गाइस गाइज बी शार्प भी हो गया है टेम गाइज, मजेदार ब्रो मजेदार। तू भी आ जा अपने बॉल में भाई, तेरे को घर में जाकर के अच्छी तरीके से विस्तार में देखेंगे, ठीक है। One eternity later. Hello guys, क्या हाल है यार, मैं अभी जस्ट रेडवुड फॉरेस्ट से भी निकलने वाला हूँ। अरे क्यों यार? क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिट्स मिल चुके हैं। गाइज मुझे 150 क्रेडिट चाहिए था एंड गाइज मुझे यहाँ पे 200 क्रेडिट मिले, ठीक है। बाप रे गाइज कितने सारे क्रेडिट देने वाले पोकेमन है। एंड यहाँ पे और एक बी शार्प है, बी शार्प है, हार्ड है, लाइकन रॉक है। इन सारे के सारे से मुझे अभी क्रेडिट्स मिलने वाला है, देख सकते हो गाइस कैसे, ठीक है। आप लोग बस मीटर पे देख सकते हो, 6 या 9 देख सकते हो कितने सारे क्रेडिट्स मिल रहे हैं। गाइस यहां पे चेस्टनट भी है, इसको भी मार लेते हैं। चलो आजा आजा आजा, ए भाई ये ले, ये देख सकते हो 3 क्रेडिट। और यहां पे और एक चेस्टनट है, आजा 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 बेटे, आजा आजा आजा, ये देख सकते हो गाइस। गाइस क्रेडिट्स पे क्रेडिट्स मिलते हैं भाई। ओ आरबॉक, वाओ गाइस आरबॉक को हम लोग डायनासोर अंडा खिला करके टेम कर सकते हैं। नहीं तेरे को मारना है ब्रो, तेरे को पकड़ना नहीं है दोस्त। आबरा लास्ट टाइम तू मेरे हाथ में नहीं आया था, बट इस बार मैंने तेरे को मार दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम तू भाग गया था, इसलिए जब मैं किसी को पकड़ने जाता हूं तो एक ही बार में हाथ आ जाना चाहिए। और भी इन लोग को मार करके गाइस यार क्रेडिट्स ले लेते हैं। आ जा आ जा, 5 क्रेडिट मिल चुका है। अब गाइस चलो अब तो निकलते हैं गाइस, अब तो मैं वोल्केनिक माउंटेन के पास जाने वाला हूं क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है गाइस। गाइस देख पा रहे हो मैं आ गया हूँ गाइस वोल्केनिक माउंटेन के पास, ये सबसे बड़ा वोल्केनिक माउंटेन है। अगर गाइस इधर ऊपर जाने के बाद गाइस मुझे कोई एक लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलता है बढ़िया लगेगा यार। लेकिन अगर आर्शियस रहता तो गाइस यहाँ पे कुछ ग्लो व्लो नहीं होता, अब तो कुछ भी ग्लो भी नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे तो एक भी पोकेमॉन नजर नहीं आ रहा है ब्रो। वोल्केनिक माउंटेन में कोई पोकेमॉन नहीं रहता है शायद से, देख सकते हो गाइस आप लोग अच्छे से देखो, ठीक है। मैं एकदम नीचे तक लेके आ रहा हूँ आप लोग के तसल्ली के लिए, देख सकते हो एक भी पोकेमॉन यहाँ पे है ही नहीं है। तो इधर से निकलना ही बेस्ट है गाइस, ऐसा भी देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई पोकेमॉन रहेगा तो डेफिनेटली पकड़ लेंगे यार। तो गाइस देख सकते हो पहाड़ के नीचे तो यहाँ पे सिर्फ नॉइवर्न है, चेस्टनट भी है गाइस, इसको तो मैंने मारा, 2 क्रेडिट्स मिल चुका है। अब इसको फिर से मारेंगे, 1 मिनट ड्रिल इम्पैक्ट मारेंगे, आ जा खत्म, एक ही बार में खत्म हो गए गाइस ये। ओ ये मेरे को मार रहा है, 367 का डैमेज दे रहा है। ओके इसको भी मारते हैं ट्रेवडन को। व्हाट ये ट्रेवडन मरा कि नहीं, ये कौन है? अच्छा ये स्वॉर्ड पोकेमॉन है गाइस। आजा आजा जल्दी से आजा, मारते हैं इसको, ठीक है आजा। और इससे भी क्रेडिट्स मिला, वैसे गाइस मेरे पास अभी क्रेडिट्स कितने हैं यार, मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट 264 हो गए गाइस, 264 मेरे पास 220 था।
अब गाइस जा करके 264 ओके गाइस यहां पे नीडो क्वीन है। चलो गाइस नीडो क्वीन को भी, ओ नो 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 नो, नीडो क्वीन को नहीं मारना है ब्रो, एरिया डैमेज दे रहा है गाइस। ओह शिट गाइस मैं तो स्टन हो गया हूं। ओ नो 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 नो, जल्दी 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 भाई भागना पड़ेगा गाइस, ये गलत सीन हो जाता है ये। ओ शिट अभी भी दे रहा है, दोनों को ही मिल रहा है यार झटका। पता नहीं गाइस ये कैसा मूव यूज करता है भाई। ओ पीले 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 पीले, कितना डेटा डैमेज देगा यार। तू भी पीले, ये ले, टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना तेरे साथ, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है। गाइस ये नीडो क्वीन यार इतना डैमेज कैसे दे। ओ ऑनिक्स गाइस, और एक ऑनिक्स यार, और एक ऑनिक्स यार। क्या गाइस मैं ऑनिक्स को मार पाऊंगा फियर लेकर के? डेफिनेटली मार पाएंगे ब्रो, डेफिनेटली मार पाएंगे। लेकिन ऑनिक्स को ऐसे स्पॉन होते हुए देख मेरे को अच्छा लग रहा है यार। आजा आजा, मर गया ना ऑनिक्स, कहां पे घुस गया तू? ये जमीन के अंदर ही घुस गया क्या? मुझे क्रेडिट चाहिए था यार तेरे से, बट गाइस ये तो घुस ही गया। अगर गाइस यहां पे नीडो क्वीन रहेगा ना तो मैं आसपास से भी नहीं जाऊंगा भाई, स्टैटिक शॉक देगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा, और यहां पे तो बच भी नहीं पाएंगे यार। बहुत सारे पोकेमॉन है लेकिन नीचे, बहुत सारे पोकेमॉन है गाइस नीचे। एमबी पॉम है गाइस यहां पे, एमबी पॉम नॉइवंटो फाइट कर रहा है। एमबी पॉम आजा, मैं तेरे साथ फाइट करने वाला हूं, खत्म ना ब्रो। राइचू है भाई, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये अटैक जो कर रहा है ये कौन कर रहा था गाइस? नीडो क्वीन कर रहा था कि गाइस राइचू? क्योंकि गाइस वहां पे राइचू है, देख सकते हो वहां पे राइचू है यार। अभी नहीं फाइट करेंगे ब्रो, अभी बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे, अभी इधर से निकलते हैं। एंड चार्मिलियन हाय, मारते हैं। चलो गाइस चार्मिलियन को मैंने मार दिया गाइस। एंड गाइस यहां पे ये वीडल है, वीडल को भी मारते हैं। चलो गाइस गाइस ऐसे एरियाज में काफी खतरनाक खतरनाक पोकेमॉन घूम रहा है। तू कहां पे जा रहा है चुटकू? तू कहां पे जाएगा? मर गया ना? आज तो कुछ ऐसे पोकेमॉन मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो कि मैंने अभी तक 12 दिनों में देखा ही नहीं। अरे हाँ सही में यार, बोल तेरे को आज बहुत कमाल कमाल के पोकेमॉन देखने को मिले यार, शक्ल देखने को मिला। हाँ यार शक्ल भी देखने को मिला, फिर एमबी पॉम देखने को मिला भाई, ऑनिक्स भी देखने को मिला। गाइस वाइल्ड में ऑनिक्स को देख पाना यार बहुत ही मतलब कम चांस होते हैं, ठीक है बहुत ही कम चांस होते हैं, तब जाकर के गाइस ऑनिक्स ऑनिक्स दिखता है। ओह गाइस ये देखो, इससे मुझे क्रेडिट मिलेगा गाइस। ओ गाइस इसने मेरे को इतना दूर कैसे फेंक दिया? ऐसे पोकेमॉन्स को मेरे को पकड़ना चाहिए यार जो कि मेरे को चैलेंज दे देता है। एंड ये चेस्पिन का इवोल्यूशन फॉर्म, चेस्पिन का इवोल्यूशन फॉर्म क्या था? इसके बाद बनता है गाइस चेस्नॉट, ठीक है ओके गाइस मैंने इसको हरा दिया। अब गाइस फिर से लेवल अप शो कर रहे हैं, यही बनाते हैं। कौन मार रहा है मेरे को? मार्क ए चेस्पिन। चलो गाइस अब तो निकलते हैं, अब तो घर के लिए निकलते हैं गाइस, लेकिन मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है गाइस। बहुत सारे पोकेमॉन्स को मारा यार आज, एंड बहुत सारे ऑसम पोकेमॉन्स भी देखने को मिला यार। ओह एक मिनट गाइस ये तो एबोमा स्नो है गाइस, ये एबोमा स्नो है यार। अरे इसको मैं क्यों नहीं पकड़ूंगा गाइस, ये मेरा फेवरेट पोकेमॉन है और ये काफी शक्तिशाली है गाइस। एबोमा स्नो ऐसे जगह में एबोमा स्नो मेरे को दिखाई दे रहा है। ओ वाओ वाओ गाइस वाओ 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 वाओ, चलो यार आ जाए एबोमा स्नो, आ जा और आ जाएगा शायद से। 1 2, ये नहीं आया यार। एनिग्मा बेरी, मेरे पास बेरी है क्या? एनिग्मा बेरी बेरी, इसको एक बार ऐसे मारते हैं और एक बार देखना पड़ेगा फियरो के पास ऐसे एनिग्मा बेरी बेरी होगा। ओ ये आ गया गाइस, मेरे पास गाइस अभी एबोमा स्नो भी है एंड इसके पास तो बहुत सारे बेरी। ओ माय गॉड गाइस, इसका आप लोग इन्वेंट्री देखो ना ब्रो। एंड गाइस यार एबोमा स्नो यार, वो एबोमा स्नो है यार, वो नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है गाइस, वो काफी ओपी पोकेमॉन है यार। ये क्या कर रहा है ये गैसली, और ये साथ में गैसली के साथ कौन है? ए! इसकी ऐसी की तसी, रुक तेरा बैन बचाता हूँ मैं, तेरा बैन बचाता हूँ। गाइस पता है ये कौन है? अरे मेरे को पता है यार गाइस, ये सिंड्रेस है यार, सिंड्रेस। सिंड्रेस को कैसे पकड़ना है गाइस? दोनों को ही बेहोश करना पड़ेगा ठीक है। हाई सिंड्रेस, मार मत मार मत, सिंड्रेस कुछ भी नहीं कर रहा है गाइस। मैंने गलती से इसको मार दिया, अरे यार गलती से यार फियोडो के ऊपर लग गया, अब तो ये बेहोश होने वाला है। ए दोस्त तू बेहोश होने वाला है दोस्त। गाइस एबोमा स्नो मिल गया यार, फिर और एक चार्मेंडो को पकड़ लिया, बहुत सारे न्यू पोकेमॉन्स को देखने को मिला एंड गाइस क्रेडिट्स भी इकट्ठा हो गया। अब गाइस और वक्त नहीं जाया करना है गाइस, अब घर चलते हैं लुकारियो को लाते हैं। गाइस हम लोग तो बर्फीले जगह में हैं यार। 2000 years later गाइस मेरे को लगा मेरे पास सिर्फ गाइस
500 या 600 क्रेडिट्स है, लेकिन यहाँ पर कुल मिला करके मैंने जो क्रेडिट्स आज इकट्ठा किया था उसको मिला करके अभी देख सकते हो 1037 भाई। एंड यहाँ पे ड्रग ये भी मैं बना पाऊंगा यार। गाइस अब मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, देख सकते हो बहुत सारा चॉइस है गाइस। मैं किसी भी ओपी पोकेमन को खोल सकता हूँ लिटरली गाइस, मैं ड्रैगनाइट को भी खोल सकता हूँ। यस गाइस ड्रैगनाइट को भी खोल सकता हूँ। एंड गाइस बट आप लोग को चाहिए लुकारियो को देखना, मैं गार्डचॉर्म को भी खोल सकता हूँ गाइस। मैं डेफिनेटली गाइस अब लुकारियो को ही खोलने वाला हूँ। यस अभी भी गाइस मेरे पास क्रेडिट्स बच जाएंगे, ठीक है 500 से ऊपर क्रेडिट्स बच जाएंगे। एंड गाइस अगर आप लोग इस वाले वीडियो पे मुझे भरपूर सपोर्ट दिखाओगे अच्छी तरीके से कमेंट वमेंट करके, लाइक 2500 से ऊपर अगर कमेंट दिखाओगे तो गाइस मैं म्यूटो को खोलने वाला हूँ गाइस। यस आई एम राइट गाइस, मैं म्यूटो को खोलने वाला हूँ। अरे बोल आज तो तेरे पास लुकारियो है यार, आज तो यार लोग तेरे को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। वैसे भी गाइस आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हो यार, अच्छा लगता है गाइस। एंड लुकारियो को गाइस इसलिए भी मैंने आज खोला क्योंकि गाइस मुझे भी लुकारियो को देखना था, तो चल लुकारियो को लेके आते हैं। एंड हियर वी आर गाइस, ये है लुकारियो। लुकारियो मास्टर आपको कैसी मदद चाहिए? गाइस ये तो यार बात कर सकता है, मैं तो भूल ही चुका हूँ यार। तो लुकारियो तेरे को तो पहले लेवल, ओ माय गॉड गाइस लेवल 1 पे तेरा 1500 हेल्थ है, ये तो तूफान मचाएगा ब्रो, ये तो तूफान मचाएगा यार। वाओ लुकारियो, ओ तू जंप कर सकता है और तेरे पास क्या क्या अटैक है? वो ये क्या था, एक अटैक है इसके पास, लेकिन ये देखो ये ओरा पंच की क्या है, सी से कुछ करेगा क्या तू? नहीं कुछ नहीं करता है। ओके थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, वेट बढ़ाते हैं गाइस। एंड किसी एक डायनासोर को मार करके देखना पड़ेगा गाइस, मोमेंट स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके गाइस वहाँ पे कार्बोनिम्स है, तो चलो गाइस कार्बोनिम्स को मार करके देखते हैं, ठीक है लेट्स गो लेट्स गो लुकारियो। ओ माय गॉड गाइस, वैसे तो गाइस मुझे एक टीरेक्स के साथ फाइट करना है, वो अगर टीरेक्स मिलता है तब तो बहुत बढ़िया होगा यार, मैं इसको लेकर के जाने वाला हूँ एंड फिर टीरेक्स के साथ बैटल करेंगे। आ जा ओ ए 115 का ही डैमेज दे रहा है, लेकिन लुकारियो का देख सकते हो गाइस लुकारियो का अटैक मेरे को काफी स्लो लग रहा है यार, काफी स्लो लग रहा है लुकारियो का अटैक। ओके 8 लेवल अप शो कर रहा है, तो यार मोमेंट स्पीड बनाते हैं एंड यार मिली डैमेज भी बनाना पड़ेगा। ओके चलो गाइस इसको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लेता हूँ एंड आप सभी भाइयों से मिलता हूँ फिर, ठीक है।